की खास खबर। भारत पाक के तनाव के चलते भारतीय रेलवे ने लिया ये बड़ा फैसला। ओएलसी में सुषमा स्वराज पाक बेनकाब बौखला कर किया बहिष्कार। भारत पाक के तनाव के चलते भारतीय रेलवे ने लिया ये बड़ा फैसला। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद समझौता एक्सप्रेस को बंद करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने 4 मार्च से समझौता एक्सप्रेस को स्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद समझौता एक्सप्रेस को अटारी में रोक दिया गया। उस समय ट्रेन में 27 यात्री थे। यात्रियों को भारत कैसे भेजे अभी तक तय नहीं किया गया है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान देशों के बीच में सप्ताह में 2 बार चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन है। यह गाड़ी भारतीय राजधानी दिल्ली से अमृतसर मार्ग से पाकिस्तान के लाहौर शहर में जोड़ती है। दिल्ली में छूटने वाली गाड़ी भारत पाकिस्तान की सीमा पर अटारी गांव तक चलती है। यहां सभी यात्रियों को उतरकर कस्टम और इमिग्रेशन पूरा करना पड़ता है। फिर उन्हें पाकिस्तान रेलवे द्वारा चलाई जा रही एक अलग ट्रेन में चढ़ना होता है। वह लाहौर के लिए अलग ट्रेन होगी। और एक खबर आ रही है, नई दिल्ली अबुधाबी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान अलग थलग बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने भी पाकिस्तान की दलाली को नामंजूर कर दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस फोरम के रवैये की तारीफ की है। उन्हें वहाँ बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया है। इससे बोखलाए पाक ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। सुषमा ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, न किसी धर्म के खिलाफ है। भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, इसका दर्ज बढ़ रहा है। दक्षिण एशिया में आतंकवाद और अतिवाद स्तर तक पहुंच गया है। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, न कि किसी धर्म के खिलाफ है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।